आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास भी कोई सैमसंग का फ़ोन है उसमें 5G का नेटवर्क यहाँ शो नहीं हो रहा है या 5G अनेबल नहीं हो रहा है, तो आज मैं बताऊंगा आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है उसमें 5G कैसे एक्टिवेट करते हैं, 5G हम कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, यहाँ LTE लिख के आ रहा है, LTE प्लस इस तरीके से, या फिर आपके यहाँ पर लिख के आ रहा होगा 4G, ठीक है, लेकिन 5G नहीं चल रहा होगा एयरटेल या जियो की सिम पे। तो आपको देखो क्या करना है, सेटिंग सही करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, उसके बाद आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सैमसंग के फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन यहाँ दिखेगा कनेक्शन का, कनेक्शन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर आपको देखना है इस तरीके का ऑप्शन होगा सिम मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इस तरीके का एक ऑप्शन मोबाइल डाटा, मोबाइल डाटा पर क्लिक करना है। मोबाइल डाटा पर क्लिक करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जो सिम आपके फ़ोन के अंदर है, जैसे जियो की सिम है, एयरटेल की सिम है, किस में आपको चलाना है वही सिम सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे एक नंबर पे जियो की पड़ी हुई है तो यहाँ पे एक नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया है इस तरीके से। अब आपको यहाँ से थोड़ा बैक होना है, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से देखेगा मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, डाटा रोमिंग को आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा नेटवर्क मोड सिम वन, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी 5G सिम है वो फर्स्ट स्लॉट में होने चाहिए, यह ध्यान रखना है। उसके बाद उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप LTE सिलेक्ट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से फिर से आप 5G को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अभी आप देखेंगे यहाँ 5G नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये फिर से कट हो जाए तो आपके फ़ोन के अंदर एक सेटिंग और होती है, वो आप सेटिंग पे क्लिक करके, यहाँ पे एक सर्च बार होता है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप 5G सर्च करेंगे, केवल 5G। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टर्न ऑफ 5G का, इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टर्न ऑफ 5G, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है, बस इतना सा करना है आपको, और यहाँ से बैक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे 5G नेटवर्क आने लगेगा। अगर फिर भी 5G नेटवर्क यहाँ नहीं आ रहा है तो आपने एक्टिवेट नहीं किया होगा, एक्टिवेट आपको करना होगा, ठीक है। एक्टिवेट कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने बता दी है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर भी आपका एक्टिवेट है सब कुछ फिर भी नहीं आ रहा है तो आपके एरिया के अंदर नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं जब रूम के अंदर आता हूँ तब तो 5G डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है, और बाहर जाता हूँ घर के तो एकदम से आ जाता है। तो ये नेटवर्क इशू है, सही हो जाएगा तो आपके भी फ़ोन में 5G नेटवर्क शो होने लगेगा। ये सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आई होप सही हो ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो वरना नेट पे कॉल कीजिए, कस्टमर केयर से बोल दीजिए। जय हिंद।